Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a gas behaves more closely as an ideal gas at. Okay, so आप देखो kinetic theory of gases में ideal gas के लिए हमने जो condition ली थी, that is molecule to molecule जो distance है gas में, that should be very large. जो intermolecular distance है वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए. ऐसा क्यों assume किया था? सो दैट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके डायमेंशन को हम इग्नोर कर सकते हैं एंड उन्हें हम पॉइंट साइज ले सकते हैं, राइट. एंड फर्दर अगर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, देन उस केस में जो इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो काफ़ी कम होगा. किस तरह का इंटरेक्शन? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्सेस है और यू कैन से ये जो इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा एंड उस तरह से वी कैन गेट आइडियल बिहेवियर. सो आइडियल बिहेवियर के लिए आपको जस्ट ये मेक श्योर करना है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो काफ़ी लार्ज होना चाहिए. नाउ लेट्स से हमारे पास एक वॉल्यूम है वी एंड इस वॉल्यूम में हमारे पास कोई गैस है, देन आइडियल बिहेवियर कब आएगा? जब जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा. इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा कब होगा? जब जो नंबर ऑफ मोल्स है एन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, वो कम होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए. एन को हमें मिनिमाइज करना है फॉर आइडियल बिहेवियर. सो आप ये इक्वेशन देखो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. नाउ यहाँ से एन का जो वैल्यू है दैट इज पी वी डिवाइडेड बाई आर टी. नाउ यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, हमने एक फिक्स वॉल्यूम लिया है एंड आर भी कांस्टेंट है एंड हमें आइडियल बिहेवियर के लिए एन को मिनिमाइज करना है. एन कैसे मिनिमाइज हो सकता है? जब ये जो प्रेशर है ये मिनिमाइज हो जाए एंड ये जो टेम्परेचर है ये मैक्सिमाइज हो जाए. काइंड ऑफ जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए एंड जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए. सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे जो गैस है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है. सो आई थिंक यू कैन फाइंड आउट द ऑप्शन राइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन. कीप वर्किंग आउट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.